हाय दोस्तों, हाय। ये मधु साहब हैं, ये उनकी बिटिया हैं और उनकी फैमिली और भी खड़े हुए हैं, चार पांच बच्चे हैं इनके। और ये मोती पालन की ट्रेनिंग लेने हुए आए हुए थे अपने बमोरिया फार्म पे। और आज इनका एक एक दिन का विजिट हमने पचमढ़ी का रखा हुआ था, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, इसको सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए सनसेट अभी हो रहा है वहाँ पे, तो काफी एक अच्छा लुक है। और नीचे लगभग हजारों गाड़ियां जिप्सी खड़ी होंगी यहाँ पे, जो लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, लेकिन हम सबसे ऊंची चोटी पे आए हुए हैं। और 2 दिन इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, ट्रेनिंग के बाद आज हमने पचमढ़ी का विजिट कराया। पचमढ़ी में कई सारी जगह इनको दिखाई, लेकिन आप इनके जवानी सुनिए कि कैसा रहा इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैसा है पचमढ़ी का व्यू। सर मतलब वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी गुड टूर। मैंने मेरी जिंदगी में ये पहला टूर देखा, ऐसा टूर कभी नहीं देखा मैंने। ताकि वमोरिया जी ने हमको वाल्स के बारे में पूरी जानकारी दी, सिखाया, और सिखाने के बाद हमको जो पचमढ़ी टूर पे लेके आए। ये पचमढ़ी टूर, हम मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पे जब आए थे, हमको लगा कि अब हम जन्नत में आ गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत पचमढ़ी अच्छा। में क्या क्या देखा आपने पचमढ़ी में? पचमढ़ी में बहुत सी जगह देखा हमने, बी फॉल देखा, उसके बाद अप्सरा फॉल देखा, पांडव गुफा देखा, जटाशंकर देखा। लेकिन जब शाम को धूपगढ़ आए, धूपगढ़ में जब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पे हम लोग जब आए, तो हमको यहाँ स्वर्ग लगा कि हम स्वर्ग में आ गए। जी बहुत बढ़िया लगा साहब, बहुत अच्छा। और ऐसे भमोरिया जी आपके साथ वैसे हमेशा आते रहे, हम यही चाहते हैं। कैसा लगा आपको मोती पालन की ट्रेनिंग, कैसी रही आपकी? कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको, और ऐसा लगा कि कुछ सीखने को कम मिला हो आपको? ना ना, और जगह हमको इतना जितना आपने सिखाया, और जगह इतना हमको जानकारी नहीं दिया जितना गहराई से आपने हमको मोती की जानकारी दी। जी, और इसमें कई प्रकार के मोती की जानकारी दी, तो हमको बहुत बढ़िया लगा, तो बड़ी बारीकी से परखा। जी, ये इनकी बेटी हैं और इन्होंने हाय, मेरा नाम अमीषा है। ज्वेलरी सेक्शन इन लोगों ने सीखा है, ज्वेलरी बनाना, हैंडीक्राफ्ट बनाना, कई सारी चीजें सीखी हुई हैं। तो बेटी आप बताएं कैसा लगा आपको मोती पालन की ट्रेनिंग लेके? मुझको बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सारी बहुत ज्यादा खुशी आई अमित सर के साथ और पप्पी मैम के साथ। बहुत सारी मैंने ट्रेनिंग ली, बहुत मजा आया। बाकी ट्रेनिंग में इतना सब नहीं सिखाते, लेकिन मोती पालन ट्रेनिंग में मैंने बहुत ज्यादा सब कुछ सीखा और नई नई चीज सीखने को मिली मुझको। और ये धूपगढ़ तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है, मैं चाहती हूँ कि हर बार यहाँ पर आए हम लोग घूमने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वही बच्चा पार्टी, आप दीदी, लोग कुछ बोलेंगे? दीदी कैसी रही आप लोगों की ट्रेनिंग? अरे बहुत बढ़िया, बहुत कड़कनाथ, कड़कनाथ खाया? कड़कनाथ मुर्गा कैसा लगा? मैंने टेस्ट किया था, बहुत अच्छा बना था वो। ओके ओके, सर आपसे एक निवेदन है कि आप हमेशा पचमढ़ी के ही लिए टूर लाए थे, और घुमाने के लिए सर पचमढ़ी बहुत अच्छा। हम नेक्स्ट टाइम पक्का आने की कोशिश करेंगे अच्छे साथ। थैंक यू, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी का जो है उज्जवल भविष्य हो। और बहुत जल्दी आशा करते हैं आप लोगों से मुलाकात होगी। एक बार देखिए पचमढ़ी का लुक, सनसेट हो गया, देखिए बहुत दूर वहां पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ये धूपगढ़ कहलाता है, सनसेट सनराइज दोनों चीजें यहाँ पे होती हैं। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का ये जंगल देखिए आप, एक अलग ही लुक आपको लग रहा होगा। बहुत गुड, आज की शाम आपके नाम। चलिए दोस्तों, मुलाकात होती है बहुत जल्दी, फिर मिलेंगे। बाय बाय।